हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं चंदन कुमार, एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल से। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक देखने वाले हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और उसे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे बिना टाइम गंवाते हुए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब दो वर्डों को मिलने से बना है, दो वर्डों को मिलने से बना है, जियो और ग्राफी। ज्योग्राफी जियो का अर्थ होता है भू और इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना इसका मतलब होता है पृथ्वी। जैसे पृथ्वी को अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये स्थल है, ये स्थल है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष है और वायुमंडल है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी के जो नीचे है, पृथ्वी के गर्म है, उसका जैसे मैग्मा हो गया, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को मतलब कहा जाता है ज्योग्राफी। चलिए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और देखेंगे इसका बेसिक विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ज्योग्राफी है ना, तो इसका कई डिफिनेशन है, हम लोग कई तरीका से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वैसा विज्ञान जिसे सम्मत विषय को हम लोग मानव जैसे पर्यावरण उसके बीच के अंतर को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, या भूपृष्ठ जहाँ मानव निवास करता है उसको, मानव जहाँ रहने लायक है उसी को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी एक स्वतंत्र विषय है, चलिए इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसको पहले हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए ज्योग्राफी का जनक किसे कहते हैं, तो ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस को कहते हैं और उसे कई एग्जाम में दिया रहता है इराइटोस्थिनिज। तो इराइटोस्थिनिज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। और सीधा आए क्वेश्चन में कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग हिकेटियस को मारेंगे। अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं रहता है तो उसे हम लोग इराइटोस्थिनिज को टिक करेंगे। हम लोग देखेंगे पहले हिकेटियस, हिकेटियस भूगोल का इसे जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक हिकेटियस को। इन्होंने इसका एक पुस्तक है जिसे हम लोग जस पीरियड्स कहते हैं, दस पीरियड दस। और ये भूस्थल का सागरों से घिरा है, भूस्थल को सागरों से घिरा है, सागरों से घिरा है। और इधर इराइटोस्थिनिज इसे आधुनिक इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। देखिए इसको हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं और इस पुस्तक इसका है जस पीरियोडस। और ये भूस्थल को बताया सागरों से गिरा है। इसका एक और है जैसे दो महादेश का नाम इन्होंने दिए,
एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप। और ये एक नंबर हो गया, आपको इसको दो नंबर मानेंगे। तीन नंबर में यहाँ देखेंगे, तीन नंबर में टॉलमी, टॉलमी, टॉलमी को हम लोग आधुनिक टॉलमी, आधुनिक टॉलमी, टॉलमी ने सबसे पहले भारत को मानचित्र पर दर्शाया, मानचित्र पर दर्शाया था। टॉलमी ने भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर इन्होंने दर्शाया था। और तीन नंबर, ये इसको तीन नंबर मानेंगे। और चौथा में देखेंगे, चौथा क्या है, चौथा में देखेंगे, इसमें है चौथा में, जैसे ये हो गया, ये जो है चौथा में हम लोग देखेंगे एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेंडर। इन्होंने विश्व का मानचित्र दिया, विश्व का मानचित्र बनाया, इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया। इसी तरह हम लोग इसको देख लिए, इसको देख लिए, ये फर्स्ट नंबर है हिकेटियस है, और ये दो नंबर है इराइटोस्थेनिस, ये व्यवस्थित भूगोल का इसे जनक कहा जाता है, और इसे भूगोल का सिर्फ जनक कहा जाता है। पूछे भूगोल का जनक तो हम लोग हिकेटियस पर टिक लगाएंगे, और पूछेगा भूस्थल तो भूस्थल इन्होंने बताया कि सागरों से घिरा है। और इन्होंने दो महादेश का नाम भी दिया, दो महादेश का नाम है एशिया और यूरोप। और तीसरा है टॉलमी, टॉलमी ने सबसे पहले भारत को मानचित्र पर दर्शाया। और चौथा है एलेक्जिमेंडर, इन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, अब इसको हम लोग ज्योग्राफी को चार पार्टों में बांटेंगे, चार हिस्सों में बांटेंगे। चार हिस्सों में बांटेंगे किसको, फर्स्ट में एस्ट्रोनॉमी, 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 एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसी को एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी, इसको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इसको टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। ये हो गया खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, इसी को हम लोग आज देखेंगे, तब उसके बाद इसको देखेंगे, तब उसके बाद इसको देखेंगे, तब उसके बाद इसको देखेंगे, और इसको विस्तार से हम लोग देख लेंगे, तब उसके बाद जियोलॉजी को देखेंगे, तब ज्योग्राफी को देखेंगे, तब टोपोग्राफी को देखेंगे। और इसमें है जो खगोल विज्ञान मतलब ब्रह्मांड के बारे में इसको अध्ययन कराया गया, इसको इसमें ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड है क्या? देखिए हम लोग पृथ्वी रह रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर या नीचे या सारी जीव जंतु, पेड़ पौधा, वो सभी ब्रह्मांड है। सभी को मिलकर जैसे क्लस्टर हो गया, सुपर क्लस्टर हो गया, तारामंडल हो गया, आकाशगंगा हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, सौरमंडल हो गया, सभी को मिलाकर हम लोग कौन सी कहेंगे, एकदम ब्रह्मांड कहेंगे। चलिए हम लोग ब्रह्मांड को अध्ययन करेंगे।
मान लीजिए ये ब्रह्मांड हो गया। देखिए ब्रह्मांड कई आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है, कई आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है, कई आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है, और आकाश गंगा कई छोटे छोटे तारों से मिलकर बना होता है, और कई छोटे 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 कणों से लेकर बड़े आकाश गंगाओं से मिलकर बने खगोल पिंडियों को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ये सबसे बड़ी खगोल पिंड ब्रह्मांड है, इसी को हम लोग जानेंगे। देखिए मान लीजिए कि इसका हम लोग अनुमान जानते हैं कि ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, व्यास बराबर 10^8 प्रकाश वर्ष होता है इसका, प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष है क्या, यह खगोलीय पिंड को सबसे लंबी दूरी मापने वाली यंत्र है प्रकाश वर्ष। तो जैसे प्रकाश होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष इसको मिटा देते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 × 10^15 मीटर होता है, और इसे हम लोग पार्सेक भी कहते हैं। तो एक इसे पार्सेक भी कहते हैं, यह भी खगोलीय पिंड की सबसे लंबी दूरी मापने के लिए है, एक पार्सेक बराबर। हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीज को हम लोग पढ़ना है अंतरिक्ष के बारे में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक पर बात करेंगे, और इसके आगे आगे हम लोग बात करेंगे।